स्पेशल सेल की एक टीम जिसको सुपरवाइज एसीपी ललित मोहन नेगी और हृदयभूषण कर रहे थे, इन्होंने असम के गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक आईएस इंस्पायर्ड मॉड्यूल के 3 लड़कों को पकड़ा है, जो कि रास मेला, एक वहाँ पे लोकल फेयर होता है कृष्ण जी का, कृष्ण जी को कमेमोरेट करते हुए, उस फेयर में प्रेस रन के तौर पे एक आईडी ब्लास्ट करने वाले थे, और उसके सक्सेसफुल हो जाने के बाद में उनकी प्लानिंग दिल्ली में उसी तरह के ब्लास्ट को रेप्लिकेट करने की थी। इस मॉड्यूल के बारे में हमारी टीम को थ्रू सोर्सेज पता चला, काफ़ी टाइम से इस पर काम करते रहे थे, ये पता था कि कोई एक ऐसी रेडिकलाइज लड़कों की टीम है जो कोई टेरर एक्टिविटी का प्लान बना रही है। इसके बेसिस पे काम करते हुए जब इसमें इंटेलिजेंस फर्दर डेवलप की गई तो पता चला कि ये असम गोलपाड़ा के लड़के हैं और ये पहला टेरर स्ट्राइक वहाँ करने वाले हैं। सब्सिक्वेंटली दिल्ली में इन्होंने कुछ लड़कों को रेडिकलाइज किया हुआ है, वहाँ पर ये फर्दर कार्रवाई करेंगे। इनके पास से एक कम्प्लीट आईडी जो कि बिल्कुल रेडी स्टेट में थी विद टाइमर एंड एवरीथिंग वो मिली है। एक लोन वुल्फ के अटैक के तौर पे, जैसे कि सोड और चाकू के अटैक करते हैं, उस तरह के 2 बैटन शॉट्स मिले इनके पास में। 1 kg एक्सप्लोसिव पाउडर मिला है, प्लस आईडी के कंपोनेंट्स मिले हैं। पकड़े गए लड़कों के नाम हैं जमील, मुकद्दर इस्लाम और रंजीत अली। ये सारे के सारे अंडर 25 हैं, 25 साल से कम उम्र के लड़के हैं।